हेलो एवरीवन वेलकम टू देवेश क्लासेस एंड टुडेस टॉपिक इज चैप्टर वाटर क्लास सेवन पार्ट टू इन अवर प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट्स वी रेड अबाउट मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन द ओशियन वेव्स एंड टाइड्स एंड द थर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशियन उसको हम बोलते हैं ओशियन करंट्स इस वीडियो में हमें उसके बारे में पढ़ना है सो वॉट आर ओशियन करंट्स लार्ज स्केल मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन द ओशियंस इन ए डेफिनेट डायरेक्शन आर कॉल्ड ओशियन करंट्स तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ओशियन वाटर मूव करता है तो उसको हम ओशियन करंट्स बोलते हैं और ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इसकी लेंथ होती है काफी दूर तक ये करंट फ्लो करता है और जो स्पीड ऑफ जो ओशियन करंट्स है वो टू टू टेन किलोमीटर पर आवर होती है अगर जो वाटर है ओशियंस में इफ द मास ऑफ वाटर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ एन ओशन इज ब्रॉड स्लो तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट और इसका जो स्पीड होता है ड्रिफ्ट का वन टू थ्री किलोमीटर पर डे होता है सो दिस इज वेरी स्लो मूवमेंट अभी करंट्स के टू टाइप्स हैं वन इज वार्म करंट अनदर इज कोल्ड करंट तो जो वार्म करंट्स हैं जो गर्म जल की धारा है ये इक्वेटर से ओरिजिनेट होता है और ये इसका जो डायरेक्शन है फ्लो करने का वो टूवर्ड्स द पोल है तो इक्वेटर से ये चलता है और ये फ्लो करता हुआ जाता बहता हुआ, हुआ पहुंचता है पोल्स तक और दूसरा जो कोल्ड करंट है वो ओरिजिनेट होता है हाईअर लैटिट्यूड से वीकें और वी कैन से पोल से शुरू होता है वो पोल से और फ्लो करता हुआ वो इक्वेटर की तरफ पहुंचता है सो so, वन क्वेश्चन अराइजेज हाउ दीज ओशियन करट्स कॉज्ड मतलब कैसे क्यों बनते हैं ये ओशन करंट्स तो पहला रीज़न तो ये है कि इसका कि जो डेंसिटी ऑफ सी वाटर देखो कहीं पे भी कहीं पानी में जो सैलिनिटी ज़्यादा है तो वहां पानी हैवी है उसका डेंसिटी ज़्यादा है सो so, जो ये डेंसिटीज़ का डिफरेंस होता है और वेरिएशन होता है टेम्परेचर और सैलिनिटी का तो उसकी वजह से क्या है कि ओशन करंट्स बनते हैं और ये एक डायरेक्शन से दूसरे पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करते हैं तो मेन है डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द वाटर सी वाटर सेकेंड जो है इसका रीजन है कि भाई विंड्स एक्शन ऑफ विंड्स तो जो ओशंस के ऊपर है काफी तेज हवाएं बहती हैं तो वो जो विंड्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं तो वो क्या करते हैं ये वाटर को अपने साथ ड्रैग करते हैं उसको उसको लेके जाते हैं अपने साथ फ्लो करा के तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वाटर और विंड के बीच में तो इसकी वजह से भी ओशियन करंट्स डेवलप होते हैं सो वन मोर रीजन फॉर डेवलपिंग ऑफ ओशियन करंट्स एक और कारण है जो है। uh, कि रोटेशन ऑफ अर्थ है एज वी ऑल नो के अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस जिसको हम रोटेशन ऑफ अर्थ बोलते हैं तो उसकी वजह से भी ये uh, जो डायरेक्शन है वो uh, वाटर का इन द ओशन चेंज होता है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है अभी जो ओशियन करंट्स बनते हैं इसका इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इसका इफेक्ट देखेंगे हम कि इसका इन्फ्लुएंस जो है वो सब चीजों पे पड़ता है ओशियन करंट्स क्लाइमेट पे एग्रीकल्चर पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर सो so, सबसे पहले हम देखते हैं कि वार्म करंट्स का क्या इफेक्ट है तो so, सबसे पहला इफेक्ट जो है कि जो वार्म करंट्स है अगर वो कोस्टल एरिया में अगर कहीं पे भी वार्म करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है उसके आसपास की क्लाइमेट जो है वो वार्मर होगी टेक फॉर एग्जांपल, जैसे कुरोशियो करंट है पैसिफिक ओशियन में एंड गल्फ स्ट्रीम है अटलांटिक ओशियन में ये वार्म करंट्स हैं तो इसकी वजह से जो साउदर्न जापान है और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए है उनका जो क्लाइमेट uh, है वो रिस्पेक्टिवली वार्मर uh, है गर्म है वार्म uh, करंट से और क्या इफेक्ट uh, पड़ता है कि इसकी वजह से जो पोलर रीजनस हैं तो वहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो कम्पे uh, वो क्या होते हैं कि वो ड्यूरिंग विंटर ऑल्सो वो आइस फ्री रहते हैं क्योंकि वहाँ पे वार्म करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पे आ, जो आइस है वो जम नहीं पाती है वो पिघल पिघल जाती है तो इसकी वजह से जैसे कोस्ट ऑफ नॉर्वे है है ना आर्कटिक सर्कल रिमेन्स फ्री फ्रॉम आइस इवन ड्यूरिंग विंटर क्योंकि वहां पे वार्म करंट फ्लो कर रहा है जिसका नाम है नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट और इसी तरीके से देखेंगे हम के जो आ, एक कोल्ड करंट है जिसका नाम लैब्राडोर है उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ले डोर जो करंट है ये हमारा ऊपर ग्रीन लैंड के आसपास और नॉर्दन जो हमारा अमेरिका है ऊपर टॉप वहाँ पे उसके आसपास ये फ्लो करता है तो वहाँ पे ड्यू टू द कोल्ड लेब्राडोर करंट वो हमेशा रिमेंस फ्रोज़न रहता है वहाँ पे आइस वाइस रहती है क्योंकि वहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है और इसका जो करंट ओशियन करंट्स हैं इसका इन्फ्लुएंस अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव बाय ए कंट्री उस पर भी होता है कि कहाँ पे कितनी वर्षा होगी ये उसको भी इफेक्ट करता है कंट्रीज जहाँ पे वार्म करंट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगा क्योंकि जो वहाँ से जो हवाएं बहती हुई जाएंगी जहाँ पे वार्म करंट बह, बह बह रहा है कोल्ड तो वहां से क्या है जो ज़्यादा मॉइस्चर गैदर करेंगी जो हवाएं हैं वो जो विंड्स हैं वो ज़्यादा मॉइस्चर गैदर करेंगी और उसकी वजह से क्या होगा कि उन एरियाज़ में जहाँ पे वार्म करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे अच्छी रेनफॉल होगी हायर रेनफॉल होगी लाइक ईस्टर्न यू एस आयरलैंड एंड ब्रिटेन रिसीव ए हायर रेनफॉल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑन द अदर एंड जहाँ पे भी कोल्ड करंट फ्लो कर रहा होगा वहाँ पे क्या होगा ड्राई विंड्स होंगी और मॉइस्चर वो गैदर नहीं कर पाएंगी और वहाँ पे बारिश बहुत कम होगी तो जैसे कि अटाकामा डेजर्ट है जो साउथ अमेरिका में वो ड्राई रहता है क्योंकि वहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो करता है कोस्टल एरिया में जिसकी वजह से कोई मॉइस्चर गैदर नहीं कर पाती है विंड्स uh, और Uh, वहां पे लेस uh, रेनफॉल होता है इसीलिए वहां पे डेजर्ट क्रिएट हो जाते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप देखेंगे जितने भी हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है वो नियर द कोस्ट है क्योंकि uh, जो अगर वहां पे वहां पे अगर कोल्ड करंट बह रहा है तो वहां पे वर्षा कम होगी और इसकी वजह से वहां डेजर्ट्स क्रिएट हो जाते हैं तो ये जो फैक्टर है ये कोल्ड करंट्स का ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर लोकेशन ऑफ द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है तो वहां पे अब प्लैंगटोस का जो पॉपुलेशन है वह बढ़ जाता है प्रोडक्शन ऑफ प्लैंगटोस बढ़ता है प्लेक्टोन्स क्या है प्लेक्टोन्स आर वेरी स्मॉल सी ऑर्गेनिज्म बहुत ही माइन्यूट सी ऑर्गेनिज्म है जो uh, फूड फॉर फिश तो मछलियों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फूड है और मछलियाँ इनको खाती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है जो फिश uh, पॉपुलेशन है इंक्रीज होता है बढ़ता है तो इट सपोर्ट्स फिश इन लार्ज नंबर्स तो इस ये uh, और जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिक्स होता है वो बहुत ही ग्रेट फिशिंग ग्राउंड होते हैं क्योंकि वहाँ फिश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे फिशिंग uh, वगैरह फिश इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आप कह सकते हैं स्वर्ग है मछलियों के लिए वो ये एरिया तो ये फिशिंग जोन होते हैं एक और जो इसका इफेक्ट है जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं तो वहाँ एक थिक फोक भी क्रिएट होता है बहुत ही है ना फोक कोहरा जैसा छा जाता है वहाँ पे तो ये ये शिप्स वगैरह के लिए बहुत डेंजरस है क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाता है और है ना एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसमें तो वन सच रीजन इज नियर न्यू फाउंड लैंड वे द एक न्यू फाउंड लैंड एक जगह है जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो वार्म करंट है और कोल्ड करंट जो लेब्राडोर करंट है वो मिक्स होता है तो वहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं एक तो फिशिंग ग्राउंड अच्छा होता है फिश पॉपुलेशन बढ़ता है और दूसरा फॉग ही एरिया होता है कोहरा छा जाता है तो जिससे थोड़ा नेविगेशन करने में डिफिकल्टी होता है शिप्स वगैरह को करंट uh, से ये ओशनिक करंट से यही फायदा है कि uh, जो शिप्स वगैरह हैं वो इजी से सेल डाउन कर सकते हैं आसानी से नेविगेट कर सकते हैं इससे उनका टाइम और फ्यूल बचेगा और वार्म करंट से क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं ना इनसाइड ओशियंस के बीच में आइसबर्ग पाए जाते हैं तो वो उनको पिघलने में मेल्ट करने में हेल्प होता है तो वो मेल्ट हो जाते हैं तो इससे इससे बेनिफिट रहता है शिप्स वग़ैरह के लिए अदरवाइज शिप्स वग़ैरह का उससे एक्सीडेंट हो सकता है जैसे आप वो एग्ज़ाम्पल पता भी है जैसे टाइटेनिक जो जहाज़ था वो वो आइसबर्ग से टकरा गया था और डिस्ट्रॉय हो गया था पूरा अभी यहाँ पे देखिए जैसे एक एग्जाम्पल में आपको एक केस स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं अभी सुनामी के बारे में जैसे मैंने हमने एक पहले पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि वेव्स वेव्स के बारे में है ना वन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशन वेव्स तो इसी तरीके से अगर कोई बहुत ही खतरनाक वेव्स क्रिएट होती हैं तो उसे हम सुनामी बोलते हैं सुनामी का मतलब होता है इट इज़ ए जैपनीज वर्ड और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हार्बर वेव तो बेसिकली सुनामी आने का कई का, रीज़न है वन ऑफ द रीजन इज जो सेस्मिक एक्टिविटी होता है इनसाइड द ओशियन वाटर ओशंस के अंदर अगर अर्थवेक आता है तो उसकी वजह से बहुत ही हाई वेव्स जनरेट होती हैं जिसको हम सुनामी बोलते हैं और इस सुनामी की वजह से क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं जो कोस्टल एरिया के आसपास जो भी वे एरिया है लोकेलेटी है वह सब डिस्ट्रॉय हो जाता है इसकी वजह से तो सुनामी आने का एक जो मेन कारण है वो है सेसमिक एक्टिविटी है इनसाइड द ओशियन अर्थक्वेक का एपिसेंटर होता है और कई रीज़न है लैंडस्लाइड है मीटराइट इम्पैक्ट है जिसकी वजह से भी सुनामी आता है तो सुनामी का मतलब है हार्बर वेव और ये कोस्टल एरियाज में जो आ, लोग रहते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है आ, एक सुन सुनामी जैसे 2004 में भी सुनामी आया था बहुत खतरनाक था इसमें लाखों लोगों की आ, डेथ हो गई थी तो सुनामी बी इससे रिलेटेड है है ना ओशियंस से रिलेटेड है वाटर से रिलेटेड है तो इसलिए यहाँ पे ये केस स्टडी बताना ज़रूरी था कि व्हाट इज सुनामी सुनामी मीन्स हार्वर वेव अभी आ, अगर सुनामी अगर कहीं आता है तो हम कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को तो वो भी एक ये मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एक ये क्वेश्चन है सो स्टूडेंट्स दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर So goodbye for now.